हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसटीजी किचन रेसिपी ब्लॉग। तो मैं शुरू करने वाली हूँ आज एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगी फ्रेंड्स, और बनाना बहुत ही आसान। फटाफट से आप मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मूंग दाल। तो ये हम 2 से 3 घंटे पहले इस मूँग दाल को भिगो दिए थे, और इसमें हम 8 से 10 ले लिए हैं लहसुन की कलियाँ, और 7 से 8 हमने इसमें हरी मिर्च ले लिया है। तो आप हरी मिर्च थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक टमाटर बारीक कटा हुआ, और एक प्याज हमने उसे भी बारीक चॉप कर लिया है, और इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। ये तो देख सकते हैं कि हम पेस्ट बना करके इसे रख लिए हैं। तो ये हमारा मूंग दाल का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक और मूंग दाल को पीस करके यहाँ पे पेस्ट को रेडी कर लिया है। और इसे हम एक बर्तन में, बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे बिल्कुल भी ऐसे ही बनाना है पेस्ट को। थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं, 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डालोगे ना तो ये अच्छे से पिसा जाएगा और एक बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है मूंग दाल, जल्दी से फटाफट से ये पीस जाता है। और देख सकते हैं कि हम स्मूथली ये कितने मुलायम सॉफ्ट पीस के रेडी हो गया है। तब इसको हम निकाल लेंगे सारा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही मूंग दाल मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम जो बारीक कटा हुआ प्याज दिए थे ना, उसको यहीं पे हम डाल देंगे। और यहाँ पे हमने जो टमाटर बारीक कटा हुआ था उसे भी ले लेते हैं। और इसको अब हम क्या करेंगे कि साइड में रख देंगे। और चलिए अब इसमें हम कुछ मसालों यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा हम इसमें आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, और चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। और यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ी सा, ये हमारा गरम मसाला है। और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला है। बाकी और कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चटपटा बनाना चाहते हो तो ऊपर से आप हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बारीक कट करके भी ऊपर से डाल सकते हो, बट मुझे बच्चों के लिए ही बनाना था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे और तीखापन नहीं बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग तीखापन बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा सकते हो। तो देख सकते हैं कि इसको हम अब अच्छे से फेंट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं बनाना है और पानी नहीं डालना है बहुत ज़्यादा। हमने इसमें सिर्फ पीसते समय 2 से 3 चम्मच पानी डाला था, जिससे ये थोड़ा सा पतला हो गया। और चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और सिर्फ देख सकते हैं कि 1 चम्मच तेल में हम ये नाश्ता बना करके रेडी करेंगे। सुबह सुबह का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप बच्चों को ये टिफ़िन में भी सुबह सुबह दे सकते हो, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप सुबह इसे नाश्ते के तौर पे कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे डाल देना है। और अगर आप चाहो तो पूरा जो फैन है ना उसमें बड़ा सा बना सकते हो, बट मुझे बड़ा नहीं बनाना था, मुझे छोटा छोटा ही बनाना था। तो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा जितना मर्जी उतना बड़ा बना सकते हो यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे ना कि गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ढक करके पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं कि ऊपर से ऐसे अच्छे से जाली बन गया है, और बिल्कुल भी नीचे से एक साइड से ये सिक जाता है। तो ऐसे आप हल्के हाथों से इसे क्या करिए कि दोनों साइड से पलट करके सेक लीजिए, और ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है फ्रेंड्स। बिना किसी तैयारी किए आप इस नाश्ते को फटाफट से बना लेंगे। सिर्फ 2 से 3 घंटे पहले आप इसे भिगो दीजिए मूंग दाल को, और पीस करके फटाफट से ये बन जाएगा नाश्ता। तो अब देख सकते हैं कि दूसरे साइड से भी हमारा अच्छे से पक गया होगा। तो ऐसे दबा दबा के हल्का सा प्रेस करके आप दबा लोगे ना तो अच्छे से ये अंदर से भी पक जाएंगे, ताकि कच्चापन ना रहे। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है ये, बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट बनता है, और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट भी होता है। जो बच्चे आपके ना बहुत ज़्यादा खाने में वो करते हैं ना, तो उनको आप दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा, बच्चे फटाफट से खा लेते हैं टिफिन में ये। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बना करके रख लिया है एक, और ऐसे ही हम दूसरा वाला भी देख सकते हैं। बिल्कुल भी हमने इसमें तेल नहीं डाला है, और बहुत ही हेल्दी भी बन के तैयार होगा फ्रेंड। तो बहुत तेल मसाला जो नहीं खाना चाहता है ना, वो इस नाश्ते को बना सकता है।
और बिल्कुल भी ऐसे फैला देना है। आप चाहे तो इसे, अगर एक चम्मच घी में जब आप बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक चम्मच घी आप ऊपर से ना ऐड कर लो, बहुत स्वादिष्ट बनता है। और देख सकते हैं दोनों साइड से इसे पलट करके, और बहुत ही फटाफट से बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है ये बर्तन में। तो इस तरह से प्लीज़ बनाइए। अगर मेरा चैनल पे आप लोग नए आए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा कि ये मेरा रेसिपी कैसे लगी आप लोगों को। तो प्लीज़ इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे बना करके रेडी कर लिया है। और इस तरह से देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी दिख रहा है ना, एकदम हेल्दी और टेस्टी भी नाश्ता है ये। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, बिल्कुल भी सभी को पसंद आएगी, बड़े बच्चे, छोटे, बड़े, बूढ़े, सबको पसंद आएगी इस तरह की नाश्ता। अगर आप एक बार बनाओगे सुबह सुबह में, तो शाम के वक्त भी अगर छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप बना सकते हो इस नाश्ते को। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा बनाने का, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसे लगी ये रेसिपी आप लोगों को मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।